हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरीके से अपने रूम की इंटीरियर डिजाइनिंग को करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप अपने रूम को कुछ इस तरीके से कैसे बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने रूम की इंटीरियर डिजाइनिंग कराना चाहते हैं और इंटीरियर डिजाइनर काफी ज्यादा पैसे चार्ज करता है इस चीज के, तो दोस्तों यहाँ पर आप AI की मदद से फ्री में ही अपने रूम को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है रीइमेजिन होम। तो दोस्तों यहाँ पर रीइमेजिन होम डालकर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको साइनअप कर लेना है सबसे पहले। तो दोस्तों मैं यहाँ पर साइनअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों नीचे आपको एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको साइनअप पर क्लिक करना है और किसी भी गूगल अकाउंट से आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पर साइनअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों साइनअप करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट डिजाइनिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करके उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी डिजाइनिंग आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपने रूम की जो डिजाइनिंग की फोटो है, जो डिजाइन करना चाहता हूँ, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फोटो हमारे सामने आ चुका है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अपलोडिंग होने के बाद दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये इसको एनालाइजिंग यानी कि दोस्तों एनालिटिक्स इनकी बारीकी से देखता है, इसको एनालाइज करता है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको दोस्तों नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस ऑप्शन। तो दोस्तों आपको एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा उन पार्ट्स को जो भी पार्ट्स यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फॉर्म को छोड़कर, जो रेड ब्लैक फॉर्म्स हैं उनको छोड़कर इसने सारे पार्ट्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं अपलोडेड इमेज ऑफ इज ऑफ, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस टाइप का रूम चाहिए, पैंट्री, मीडिया रूम। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मीडिया रूम सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिज़ाइनिंग थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कैसी डिज़ाइनिंग थीम चाहिए, तो मैं ट्रेडिशनल कर देता हूँ। यहाँ पर आप कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं वो नीचे डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जनरेट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर देता हूँ। डिज़ाइन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये यहाँ पर इसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर हमारे लिए जो डिज़ाइनिंग जो इमेज हमारे सामने जनरेट हो रहे हैं वो यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये एकदम जेन्युइन तरीका है दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइनिंग का। यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देना है, कोई भी चार्ज नहीं देना है, आपकी फ्री में डिज़ाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपके सामने सारे इमेज शो हो जाएंगे। आपका जो ओरिजिनल इमेज है वो शो हो जाएगा, आपकी जो डिज़ाइनिंग जो हुई है इमेजेज में वो भी शो हो जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ओरिजिनल इमेज को ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल इमेज कुछ इस तरीके से है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर साइड में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो कंप्यूटर वगैरह है वो सारी चीज़ें हट गई हैं और एक बैठने के लिए सोफ़ा टाइप कुर्सी यहाँ पर डाल दी गई है जो कि डिज़ाइनिंग यहाँ पर हुई है। और ऊपर आप फॉर्म के ऊपर देख सकते हैं कुछ एक पूरा ही फर्नीचर टाइप यहाँ पर कुछ हो गया है। तो दोस्तों अब मैं अगला इमेज देखता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला इमेज भी टेबल वगैरह कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है। यहाँ पर AI की हेल्प से दोस्तों सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं अगली इमेज को देखता हूँ। अगले इमेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंप्यूटर वापस आ चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो टेबल की डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और ऊपर जो फॉर्म के ऊपर जो फर्नीचर सा लग रहा है दोस्तों, बुक्स वगैरह जो रखी हैं ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप इस डिज़ाइनिंग को कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने कलर्स वगैरह या थीम वगैरह चूज़ करके उससे सेलेक्ट करके जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये AI से डिज़ाइनिंग का तरीका कैसा लगा है मैं ज़रूर बताऊँ। दोस्तों इस डिज़ाइनिंग फोटो को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है फोटो पर और डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना है तो ये गैलरी में आपका सेव हो जाएगा, या फिर आपको डाउनलोड वाटरमार्क फ्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वाटरमार्क आएगा दोस्तों। वाटरमार्क अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ से अपने रूम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।